हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं फिर से फ्लैशिंग के ऊपर बना रहा हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो फ्री वाले टूल पे, ठीक है। तो मेरे भाई, आज की वीडियो जो बन रही है ये बिल्कुल आपको वीडियो बेस्ट लगेगी, लेकिन मतलब ये इसमें टूल जो मैं दिखा रहा हूँ आप भाइयों को, टूल पेड है, ठीक है। फ्री का टूल नहीं है, इतना महंगा नहीं है, लेकिन पेड टूल है। तो आपको ज्यादातर ये रेंट पे भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो अभी स्क्रीन पे ये मेरा नंबर आप देख रहे हो, इस पे कॉन्टेक्ट करके आप मेरे से ये ऑनलाइन करवा सकते हो। मैं आप भाइयों को ऑनलाइन भी करके दे दूंगा, ठीक है। ज्यादातर ये टूल मेरे पास रेंट पे अवेलेबल नहीं होता है, बहुत सारे टूल मेरे पास रेंट पे आप भाइयों को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये टूल इतना मेरे पास फ्री नहीं रहता है, ठीक है। जिसको मैं आज आप भाइयों को रिव्यू जिसका करवाऊंगा और जिसको ओपन करके दिखाऊंगा और जिसका काम सिखाऊंगा, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं हम ये एंड्रॉइड मल्टी टूल की, ठीक है। तो मैं गूगल की रोम जो है पहले ओपन कर लेता हूं, आप भाइयों को डाउनलोड करके दिखाएं, उसके बाद बाकी का काम करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वीडियोस आपको अच्छी लगेगी, लेकिन वीडियोस को कंप्लीट देखना। वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें, तो आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप भाइयों तक पहुंच सके। अगर आपको फ्री वाला टूल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस आपको मिल जाएगी, वो वीडियो देख के आप टूल भी डाउनलोड कर सकते हो और उनका काम जो है वो भी मैंने सिखाया हुआ है, वो भी आप जो इसका सेटिंग वगैरह है आप सीख सकते हो, ठीक है। तो वो बिल्कुल फ्री में काम करता है, लेकिन मीडिया ट्रैक में काम करता है, ठीक है। बाकी के सीपीयू उसमें नहीं होंगे। इसमें आप भाइयों को मैं बता दूं, अगर आपके पास क्वालकॉम सीपीयू का कोई मोबाइल है या मीडिया ट्रैक का है या एसपीडीआरएम का है, ठीक है, तीन सीपीयू इसमें वर्क करते हैं और पाकिस्तान में सिर्फ यही तीन सीपीयू चल रहे हैं, ठीक है, और कोई भी सीपीयू नहीं चल रहा है। तो अभी ये मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है AMT, ठीक है, टूल, आगे टूल लिखा हुआ है, यहां से हम सर्च करेंगे। अभी फिर से मैं सर्च कर लेता हूं, ठीक है। अब ये पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है एंड्रॉइड मल्टी टूल, ठीक है, होम, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। मैं आपके सामने कर लेता हूं इसके ऊपर क्लिक। अब ये टूल का इंटरफेस अभी आप देख रहे हो यहाँ। अब हमें क्या करना है, जो भी आपके पास मोबाइल है वो इसमें देखना भी है कि भाई इसमें सपोर्टेड है या नहीं। तो आपको क्या करना है, ये देखें सपोर्ट मॉडल, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी मोबाइल है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है, ठीक है, इन्फिनिक्स, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास जो भी मॉडल है वो मॉडल यहाँ टाइप करके यहाँ सर्चिंग पे क्लिक करें तो वो सर्चिंग में आ जाएगा। और अभी मैं ये ओपन करके आप भाइयों को दिखाऊंगा। सबसे पहले सिर्फ मैं डाउनलोड करके आपको दिखा दूं, यहाँ होम में आना है और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। ये वीवो के ड्राइवर दिए हुए हैं और ये है एंड्रॉयड मल्टी टूल का सेटअप, ठीक है, लेटेस्ट अभी आया हुआ है। और इसमें ये आप देख रहे हो जो कुछ दिया हुआ है ये आपके सामने है। तो अब मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ और टूल को ओपन कर लेता हूँ। ये टूल है, ठीक है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूं मैं। यहां से यस करेंगे, अब ये आपके सामने टूल जो है ओपन हो चुका है, लेकिन इसमें ये जो है आईडी पासवर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप अपना एक्टिवेशन करवाना चाहते हो तो भी आप मेरे से करवा सकते हो। आपको इसमें अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है, वो भी आप देख सकते हो। तो मैंने ये आईडी पासवर्ड लगा रखा है, ये आपके सामने आईडी पासवर्ड लगा रखा है, ठीक है। यहाँ से मैं लॉग इन कर देता हूँ, आपको टूल का इंटरफेस दिखाता हूँ, टूल कैसा रहेगा और कैसा दिखने में आता है और कैसे काम करता है। तो अभी आपके सामने इसमें मॉडल कितने दिए हुए हैं, ठीक है, ब्रांड जो कितने दिए हुए हैं, हवावे, इन्फिनिक्स, आईटेल, जियो, ठीक है। ये जो है जियो वाला हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं चलता है, ये इंडियन मोबाइल है, इंडिया में चलता है, ठीक है। उसके बाद ये बारी बारी आप देख सकते हो हमारे यहाँ मॉडल जो चल रहे हैं, वो मैं बात आपको करूँ कि स्वामी के मोबाइल हैं जो रेडमी में आ रहे हैं, उसके अलावा वीवो, टेक्नो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, ऑन प्लस, नोकिया, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई मेरे पास नहीं आते हैं, मैं नहीं देखता हूँ। मोटरोला की बात करें तो कुछ मॉडल आते हैं मोटरोला के, और उसके बाद ये आईटेल, इन्फिनिक्स, हवावे, ठीक है, इतने मॉडल हमारे यहाँ पाकिस्तान में चलते हैं। तो इनमें आपके पास कोई भी मोबाइल आ चुका तो आप इजीली फ्लैश कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें ज्यादातर मॉडल एड हैं, आपको यही देखना है कि वो मॉडल इसमें एड है या नहीं है, ठीक है।
तो मैं इन्फिनिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अभी इन्फिनिक्स, ठीक है, इन्फिनिक्स के ऊपर क्लिक किया। अब मान लो कि मेरे पास ये जो है हॉट 10 आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक किया, तो चाहे एसपीडी सीपीयू में है या कॉलकम में है या मीडियाटेक में, ठीक है, ये जो है अपने इन्फिनिक्स के मोबाइल होते हैं एसपीडी में और मीडियाटेक में, ठीक है, इसमें दो ही सीपीयू यही होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको दिखा दूं मैं, ये फैक्ट्री रीसेट यहाँ से आप कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट एंड A4P, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो सिर्फ, उसके बाद ये आ रहा है ऑप्शन फ्लैश का, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्लैश की, तो यहाँ क्लिक करूंगा फ्लैश के ऊपर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी फ्लैश फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसको हम स्कैटर फाइल बोलते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फ्लैश के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका मोबाइल फ्लैश होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में आपका मोबाइल जो है वो फ्लैश हो जाएगा। लेकिन ये देखें फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन जो आ रहा है, इसके ऊपर आपको जरूर टिक लगानी होगी, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फ्लैश करते रहें, आपका मोबाइल ऐसे फ्लैश नहीं होगा अगर आप यहाँ क्लिक नहीं करेंगे अपग्रेड, ये जो आ रहा है ऑप्शन फर्मवेयर अपग्रेड का, ठीक है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे उसके बाद जाके आपका मोबाइल जो है फ्लैश होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप भाइयों को अच्छी लगी होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।